I do believe आज हुनर की वजह से, काबिलियत की वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका या काम करने का मौका या कुछ भी करने का मौका मिलना चाहिए. लाइट आपको फिर से ऑन करनी है? नहीं, ठीक है. कुछ भी करने के लिए यू डोंट हैव टू बी, अरे आप मर्द हो तो आप ये करोगे, औरत हो तो आप ये करोगे, ये ज़रूरी नहीं है. सिलेक्शन हुनर पे होना चाहिए, काबिलियत पे होना चाहिए. एंड इवन इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ होम मेकर, ये नहीं है कि ये सिर्फ औरतों का काम है. अगर मर्द हाथ पटाना चाहे तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है. हिंदुस्तान में क्या कई बार होता है, लोग एम्बेरस होते हैं ये बात की बातचीत करने में, क्योंकि सोसाइटी कहता है नहीं नहीं लड़कों को नहीं करना चाहिए. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हाथ बटाते हैं और बाकायदा पूरा घर संभालते, बच्चों को भी संभालते हैं जब बीवी अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी कर रही है. तो मैं ये कहूँगा काम के सिलसिले में आज स्त्रीलिंग पुल्लिंग सेम थिंग बन चुका है. जैसे आप देखते हैं हमारे मीडिया में भी आज आई थिंक मैन एंड वुमेन आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ, कितने जर्नलिस्ट है, कि काफ़ी हद तक इक्वालिटी आ चुकी है. बट स्मॉल परसेंटेज का मतलब ये नहीं कि उन्हें अहमियत ना दी जाए ना. अगर वो माइनॉरिटी है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं वो ज़रूरी नहीं है. उनके भी इमोशन होते हैं, उनकी भी फीलिंग होती है, उन्हें भी दर्जा देना चाहिए, उन्हें उनकी भी रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए. सो एवरी मैन दैट रन्स अ होम शुड बी गिवन दैट ड्यू, बिकॉज होम मेकिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब है. हमेशा कहते हैं ना घर पर बैठी रहती, वो घर पे बैठती नहीं, वो घर बनाती है, संभालती है, ताकि आप सब बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी के जो ख्वाब है वो पूरे कर सके. वो बहुत सैक्रिफाइसिंग प्रोफेशन होता है, इट्स अ जॉब बाकायदा. नो, आई टोटली एग्री विद अर्जुन व्हाट ही सेइंग, इट्स वेरी राइट दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट अ होममेकर. हम लोग वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अरे घर पे कुछ नो हाउसवाइफ है एंड शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट आई थिंक दैट इज व्हाट She has the main core to make a man happy, to set up a home. It's a lot of things that are required, you know. I mean, to just, you know, build a happy and healthy house. Kareena, Abdul ke anusar film ki USP kya hai? Concept, jo idea hai, jo philosophy hai. I think main ye manta hu bahut kabil director hai Balki sir, jinhone aisa idea chuna hai kyunki wo achhi tarah ise darsha sakte hai. It's very important to have the correct director with the correct material also sometimes. तो यूएसपी है उन्होंने, मैं दुआ करता हूँ हम दोनों भी यूएसपी पिक्चर की, बिकॉज कॉन्सेप्ट यूनिक है, कास्टिंग भी यूनिक है, और नया नई एनर्जी नया सुर है पिक्चर का, तो होपफुली लोग एंजॉय करेंगे. जी
then it was Chini Kami, was something very different. Then Shamita, like, you know, here and how do you see like the title of the film? क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना, लोग जानना चाहते हैं कियन का क्या होता है. तो कियन का हिंदी में हमेशा होता है ना, नौकरी की जाती है, तो मतलब वो स्त्रीलिंग हुआ, घर चलाया जाता है या बनाया जाता है तो वो पुल्लिंग हो गया. तो कियन का हमेशा वो सेग्रीगेशन ले आता है सोसाइटी में, सोच विचार में. बट हमने फिल्म का नाम कियन का इसलिए रखा बिकॉज लड़की और लड़का, वी वॉन्टेड दैट टू बी अ टॉकिंग पॉइंट इन द फिल्म. बिकॉज कियन का के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लैंग्वेज का फर्क होता है, उससे काबिलियत का फर्क नहीं पड़ता. ओके, करीना, व्हाट वाज द वन थिंग दैट ड्रैग्स यू टुवर्ड्स द कैरेक्टर? मेरे साथ काम करना चाहती हां. नहीं, आई थिंक दैट ऑफ कोर्स जब मैंने कहानी सुनी तो आई डिडंट इवन वेट टू द एंड ऑफ द सेकंड हाफ. मैंने इंटरमिशन में ही कह दिया कि आई एम डूइंग द फिल्म, बिकॉज़ इट वाज सच अ डिफरेंट कांसेप्ट, सच अ नोवेल कांसेप्ट. पहली बार ऐसे सब्जेक्ट आई थिंक इंडियन स्क्रीन पे ही आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आई जंप्ड एट द रोल. यही तो मैंने कहा कि आई जंप्ड एट द रोल, इट वाज सो इंटरेस्टिंग एंड इतनी अलग कॉन्सेप्ट थी, कभी बड़े पर्दे पर दिखा नहीं. यार मैंने तो दो लाइनें सुनी, मैंने पूछ लिया बालकी सर से कितने बजे आना है शूटिंग पे. नहीं, अच्छा आपने टू स्टेट नहीं देखी होगी. नहीं, अच्छा आपने टू स्टेट तो बिल्कुल नहीं देखी. हाँ, तो कितना मतलब आपको एडिटिंग करनी पड़ी कियन का भी? नहीं, मैं एक एक्टर हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं हर तरह के रोल कर सकता हूँ और करते जाऊँगा. मेरी सबसे बड़ी जो सक्सेस रही है वो टू स्टेट रही है, जो एक जेन्यून फैमिली रोमांटिक ड्रामा थी. एज एन एक्टर आई नेवर एवर शाइड अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड टेकिंग चांसेस. तो फॉर मी आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम एबल टू डू ऑल काइंड ऑफ रोल्स. एक्शन की इमेजरी होगी, पर बाकायदा मेरी सबसे सक्सेसफुल फिल्म तो रोमांटिक पिक्चर है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस आई थिंक फिल्म को पसंद करती है, ना कि आपके इमेज को. आई थिंक वो पुराना ज़माना था जब इमेजरी बहुत ज़रूरी होती थी. आज नए एक्टर्स जो है वो फिल्म से जुड़े होते हैं, फिल्म आज प्रायोरिटी ले चुकी है. नो, आई ड्यू टू रियलाइज a director comes with an idea and a thought. It's not always drawn from that somebody that he knows or she knows, but you've heard about a lot of people like this. Bahut sare aise log hain, hum dono jante hain. I know a lot of, especially for example writers, they can work out of home and still be homemakers. This boy doesn't have ambition. We are not saying you should not have ambition. That is this boy. He does not want to get into the corporate world or the rigmarole of working every day. आई नो इनफ पीपल, तो मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं, बस इनके बारे में बातचीत नहीं तो होती बिकॉज लोग एम्बेरेस फील करते हैं, सोसाइटी इन्हें नीचा दिखाती है कि नहीं नहीं तुम औरतों का काम कैसे कर सकते हो. अब हाँ, कई जगह पे तो मर्दों को किचन में आना अलाउड नहीं है, नहीं नहीं ये तो औरतों की जगह है, तुम मत आओ बेटा, तुम बाहर बैठो. तो ऐसे सोच विचार की धारा बहुत है, इसीलिए ये फिल्म हमने बनाने का फैसला लिया, बिकॉज इट्स अ नाइस ट्विस्ट, इट्स अ फन पॉजिटिव ट्विस्ट ऑन दैट, ना कि कोई इंस्पिरेशन एक इंसान देखा जिसकी वजह से ये कहानी लिखी. सब अलग अलग चीज़ें, शेफ्स जो बाकायदा होटल्स में होते हैं वो अमेजिंग खाना बनाते हैं, लेकिन जब आप होटल में रह के बोर हो जाते हो घर जाके, तो आपको घर का खाना ही पसंद आता है जो एक औरत पकाती है. तो आई थिंक इन बोथ एस्पेक्ट्स दे बोथ आर यूनिक, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये सेपरेशन नहीं होना चाहिए कि मर्द खाना अच्छा बनाता है या औरत, अच्छी तरह बनाते दोनों. मैं प्यार के लिए खाना जानता हूँ, पकाना नहीं. मी टू, ओनली लव टू ईट. हां, मैं प्यार के लिए ये एक्शन बहुत अच्छी तरह करता हूँ. सर, इस पिक्चर के पहले मैं किचन में जाने से डरता था, पॉपकॉर्न बना सकता हूँ बस, और कुछ नहीं. लास्ट टू क्वेश्चंस. ओके, एनीथिंग फ्रॉम मूवी व्हिच हैज टच्ड यू बोथ ऑन अ पर्सनल नोट? आई मीन यू हैव टू सी द फिल्म सो आई कैन टेल यू इन डिटेल, बट बहुत सारी चीज़ें हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड, हम लोग रियलाइज नहीं करते. तो व्हेन यू डू अ फिल्म लाइक दिस समटाइम्स यू रियलाइज, अरे यार मे बीइंग अ होम मेकर इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. इनफैक्ट पूरा दिन खत्म हो जाता है, आपका काम फिर भी चलता रहता है. यू आर द फर्स्ट टू वेक अप एंड लास्ट टू स्लीप. सो व्हेन आई डिड द फिल्म आई रियलाइज यार इवन आई एम मे बी वन ऑफ दोज पीपल दैट डिडंट रियलाइज कितना मुश्किल होता है घर संभालना, एक घर बनाना. दैट इज माई टेक होम फ्रॉम द फिल्म, दैट आई डेफिनेटली डू हैव न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द होम मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच.
जी 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 करीना कपूर को इम्प्रेस करने के क्या क्या नहीं करना पड़ता. ये नॉर्मल जोधा से इम्प्रेस नहीं हो रही थी, मैंने हील्स पहनने का फैसला किया. नहीं, वो गाना ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल था पहले भी, जब जायज़ दामी और हनी सिंह ने निकाला था 3 साल पहले. वी फाउंड इट वेरी एप्ट फॉर द फिल्म. बाल्की सर ने ये फैसला किया कि करीना नहीं, मैं हील्स पहनूंगा. तो आई थिंक इट्स नाइस टू समटाइम्स यूज अ विजुअल टू क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड गेट द मैसेज अक्रॉस. हमेशा हम कहते हैं ना, एक फोटो से आपको पता लग सकता है पिक्चर के बारे में. तो ये 2.5 मिनट का गाना देख के आप समझ सकते हो कि हमारी फिल्म किस विषय पर आधारित है. वो मैंने जानबूझ के किया था ताकि आप सब यूज्ड हो जाओ मुझे हील्स में देख के. मैं तो यूज्ड हो चुका था, बट मैं चाहता था कि सारे जो लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, दे शुड नॉट फाइंड इट शॉकिंग व्हेन दे सी द सॉन्ग कम आउट. सो इट आई थिंक इट वाज एन आई डिड इट इन फन. आई जस्ट थॉट हमेशा औरतें हाई हील्स पहन के जाती है ना, तो इस बार मर्द कर देख. थैंक यू.